अस्सलामुअलैकुम, आपका उल्टेसर के चैनल पे स्वागत है। आज हम जो है जो चीज़ किधर भी नहीं मिलती, बहुत सारे मैंने वेबसाइट सर्च किया, सब इंग्लिश में है, उर्दू या हिंदी में कहीं पे भी इसका कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं अपनी जाती तौर से आपको ये मैसेज और ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूँ, व्हाट इज़ रेड, क्योंकि इसके जाने बगैर आपके आगे के मरहले यानी आगे के स्टेजेस आसान नहीं होंगे, इसलिए इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक वेबसाइट जिससे कुछ पिक्चर लिए हैं, आप भी जाके उससे फ़ायदा उठा सकते हो, वो है विकिपीडिया। wikipedia.org यहाँ पे जाके आप बहुत सारी मालूमात ले सकते हो। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो HI डालो, अगर आपको उर्दू में चाहिए तो UR डालो, ur.wikipedia.org। तो इससे आपको जो है वो मालूमात मिल सकती है। ओके, अभी हम शुरू हो जाएंगे देखने के लिए। तो पहला स्लाइड जो मैंने लिया हूँ, ये इस पहले स्लाइड से भी पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि असल में ये रेड का मसला क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। आपके पास HDD हार्ड डिस्क मिलती है और ये हार्ड डिस्क आपको 2 TB, 8 TB, 12 TB, ये जो डिस्क मिलती है आपको मिलती है SATA। अब आपको बड़ा वॉल्यूम की ज़रूरत है तो किसी न किसी तरह से आपको इनको जोड़ना होगा, यानी अगर एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क, चार डिस्क, अगर ये चार डिस्क है आपके पास और सपोज ये दोनों 2 TB, 2 TB, 2 TB, 2 TB है, अगर इनको आप जोड़ना चाहते हो तो आप कैसे जोड़ोगे, उसके लिए रेड टेक्नोलॉजी यूज होती है। रेड टेक्नोलॉजी से जो ये 2, 2, 4, 2, 8 है तो 8 TB का एक वॉल्यूम बन के आपको मिल सकता है, जिसके ऊपर आप जितना 8 TB का डेटा डाल सकते हो। तो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसका डेटा, अब ये खाली डेटा 8 TB गया, अगर इसमें से एक डिस्क भी खराब हो जाती है, फेल हो जाती है, तो पूरा आपका जो भी डेटा है 8 TB का डेटा पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसके लिए उसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस घुसाया जाता है, यानी कि इसको चेंज करके फॉल्ट टॉलरेंस यानी रिडंडेंसी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिडंडेंसी, कि एक चीज़ अगर ख़राब हो भी गई तो मेरा डेटा लॉस नहीं होगा, मगर उस शर्त में मेरे को 6 TB का डेटा मिलेगा कैपेसिटी, क्योंकि 2 मैं ऑलरेडी रिजर्व रखूँगा इन केस ऑफ फेलियर, मेरे को 6 TB का तो डेटा हमारा हमेशा सेफ रहेगा, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा था। उस दौरान में जो रेड होता है वो रेड आगे हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ये रेड किस लिए होता है, एक हार्ड डिस्क का मजमूई इस्तेमाल करने के लिए, ऑल टुगेदर एक साथ जोड़ के इस्तेमाल करने के लिए, और उनके अंदर फॉल्ट टॉलरेंट, यानी अगर एक हार्ड डिस्क खराब हो गई तो मेरा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, दो हार्ड डिस्क खराब हो गई तो भी मेरा डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग रेड की टेक्निक है, उसका रेट का एक अल्गोरिथम है। अल्गोरिथम और फार्मूला, इनमें फर्क होता है। फार्मूला जो होता है वो 2+3+4+5+6+6 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस लैम्बडा वॉट एवर कुछ भी हो, एक फार्मूला होता है। अल्गोरिथम में क्या होता है, ये एक फार्मूले को फिर उल्टा करो, फिर इसके साथ ये जोड़ो, फिर उसमें से ये माइनस करो, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, उसको बोलते हैं अल्गोरिथम। आप ये सोचते हो कि अल्गोरिथम होता क्या है, अल्गोरिथम होता है
डिफरेंट फार्मूलाज को इस्तेमाल करके आखिर में किसी चीज़ का वजूद होना, उसको बोलते हैं अल्गोरिथम। तो उसके रेड का एक अल्गोरिथम होता है और ये उसके रेड के कंट्रोलर अलग होते हैं जो हमारे सर्वर में इस्तेमाल होते हैं। इन रेड कंट्रोलर के अंदर वो किस किस रेड ग्रुप को या किस किस स्टाइल के रेड के अल्गोरिथम को सपोर्ट करता है उस पर डिपेंड होता है कि ये रेड कंट्रोलर अप टू रेड 5 सपोर्ट करेगा, ये रेड कंट्रोलर रेड 10 करूँगा, रेड 6 करेगा, रेड 60 करेगा या रेड 6 ए डी ई करेगा। यानी अलग अलग अल्गोरिथम जितने होते हैं उस हिसाब से करता है। अब आज जो है मैं तुमको पहले रेड बताऊंगा और उसके बाद में मैं तुमको बताऊंगा असल में रेड कैसा कॉन्फिगर किया जाता है, वो अगले सेशन में आपको मैं बताऊंगा। आज मैं आपको रेड की थ्योरी खत्म करना चाहता हूँ। ओके, आज अब हम पहले शुरू करते हैं रेड जीरो। ये रेड जीरो होता क्या है? देखो आपके पास दो डिस्क है जिनका सपोज, ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, जस्ट बंच ऑफ डिस्क, JBOD, जस्ट बंच ऑफ डिस्क, यानी सिर्फ अलग अलग डिस्क को एक साथ जोड़ा जाता है, उसमें कोई रिडंडेंसी या कोई फॉल्ट टॉलरेंस आपको नहीं मिलता। फॉल्ट टॉलरेंस यानी अगर एक डिस्क फेल हो गई तो हमारा डेटा गया, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे के दूसरे रेड यूज होते हैं। रेड जीरो में सिर्फ इतना होगा कि आपके दो डिस्क को जोड़कर एक डिस्क दिखाएगा आपको, तो उसमें क्या होता है डिस्क जीरो और डिस्क वन होता है। और जो डेटा पैकेट होते हैं ना, डेटा को बांट दिया जाता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, इस तरह से दोनों डिस्क में वो राइट करता है। इसमें दोनों डिस्क में राइट करता है, इस रेड जीरो हो गया। इस रेड जीरो के अंदर और भी एक किस्म होती है, कॉन्कैटिनेटेड। कॉन्कैटिनेटेड में क्या होता है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 अप टू डिस्क जीरो फुल, देन इट विल स्टार्ट A250, A260, A270 वट एवर बी द लास्ट एंड नेक्स्ट। सो उसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेटेड। कॉन्कैटिनेटेड में पहले एक को फुल करता है, फिर दूसरे डिस्क को लाता है उसमें फुल करता है, मगर आपको सिर्फ दिखाई देता है कि दोनों डिस्क एक साथ 4 TB है। ओके, तो उसको कॉन्कैट, वो बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें एक डिस्क का कोई यानी स्ट्रिप सेट से फास्ट परफॉर्मेंस मिलता है तुमको, दोनों डिस्क एट अ टाइम यूज होते हैं, नहीं तो एक डिस्क होती रहती है तो उसमें फ़ायदा कुछ नहीं होता है, मगर हो वो भी बता दिया। अब नेक्स्ट जो है रेड जीरो हो गया, अब यह है रेड वन। ये रेड वन होता क्या है, देखिए दो दो रेड है जिसके अंदर दो डिस्क है, रेड डिस्क जीरो और डिस्क वन। इन दोनों डिस्क के अंदर डेटा जो है A1, A2, A3, A4, A5। इसका मतलब क्या हो गया, जो डेटा इसके अंदर है वो डेटा उसके अंदर है, इसको बोलते हैं मिरर, यानी जो इधर है वो इधर, इधर 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 जो भी है डेटा। इस दौरान अगर एक हार्ड डिस्क फेल हो गई तो दूसरी हार्ड डिस्क जिंदा है, यानी वो है वो आपको आपका डेटा दे देंगी। इसमें डेटा राइट करते वक्त थोड़ा राइट में स्लो होता है क्योंकि उसको दोनों तरफ लिखना होता है। हाँ, अलबत्ता रीड के वक्त एक डेटा ये देगा एक डेटा वो देगा तो स्पीड डबल हो जाती है, रीड फास्ट हो जाता है। इसमें फॉल्ट टॉलरेंस मिल गया तुमको, इसमें रीड फास्ट मिल गया, तो ये रेड वन हो गया। अब यह है आगे आके हम तुमको दूसरे, मैं सभी रेड के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ जिनका कोई मकसद नहीं, जो मेरा मकसद है उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ। रेड 5 जो आमतौर पे यूज होता है जिसमें मिनिमम 3 डिस्क लगते हैं, यानी कम से कम 3 डिस्क चाहिए उसमें रेड 5 के लिए, 3 डिस्क से कम में रेड नहीं होगा। रेड 1 के लिए 2 डिस्क होना जरूरी है, पेयर में होना चाहिए, 3 डिस्क में रेड 1 नहीं बनेगा, 2 डिस्क 4 डिस्क 6 ऐसा। अब यह रेड रेड 5 जो है कम से कम 3 डिस्क होना चाहिए। उसमें होता क्या है, जो आपका जो डेटा पैकेट है उसका एक एक ब्लॉक जो है A1, A2, A3, A4, ये पहला जो कलर दिया ये पहला डेटा पैकेट आ गया, वो डेटा पैकेट को उसने 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसमें 3 डेटा पैकेट बने। और लास्ट में देखो एक की पैरिटी, पैरिटी एक ऐसी चीज होती है वो रेड एल्गोरिथम से है, अगर इनमें से एक डिस्क अगर जाया होती है, अगर ये डिस्क जाया हुई तो A2 प्लस प्लस नहीं है एक्चुअली, मैं A2 ऐसा बताता हूँ, और
A3 दोनों मिलके और उसके साथ में मिलकर पैरिटी मिलेगा, और उस पैरिटी मिलने के बाद में ए पैरिटी, पैरिटी ऑफ ए, ये मिलने के बाद में A1 को प्रोड्यूस करेंगे, ये A1 विल बी रिप्रोड्यूस बाय हेल्प ऑफ A2, A3 एंड पैरिटी. दिस इज जॉब ऑफ रेट कंट्रोलर एंड द एल्गोरिथम विल प्रोड्यूस द A1 फॉर यू बाय चांस. इफ योर होल डिस्क हैज मिस फेल्ड, देन इन दैट केस फॉर द B1, मिसिंग B1 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम, यानी ये भी खोया हुआ B1 जो है B2 और B3 और B पैरिटी, इन तीनों के मदद से B1 को प्रोड्यूस किया जाएगा. तो याद रखिए, अगर रेड 5 में तुम्हारा एक हार्ड डिस्क फेल हो गया, आपका डेटा सेफ है, आपका डेटा मिल जाएगा, मगर इस दौरान में रेड कंट्रोलर के ऊपर ओवरलोड होता है कि हर बार उस डेटा पैकेट को पैरिटी और से जनरेट करके आपको देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो स्लोनेस आती है और उसको कहते हैं डिग्रेडेड. डिग्रेडेड परफॉर्मेंस, डिग्रेडेड परफॉर्मेंस होगा. इसलिए जितना जल्दी हो सके इस डिस्क को इमीडिएट रिप्लेस करने की कोशिश करो. रिप्लेस इट एज सून एज पॉसिबल. क्यों? क्योंकि अगर इन तीन डिस्क में से अभी और एक अगर डिस्क फेल हो जाएंगी, इफ यू आर फेलिंग वन मोर डिस्क, यू विल लूज योर होल डेटा. उस वक्त तुम्हारा डेटा रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुमको एक डिस्क का फेलियर सपोर्ट करता है दूसरी डिस्क. इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको हमेशा रिप्लेस कर दिया करो, नहीं तो दूसरा डिस्क अगर फेल हुआ, एक ही रेड ग्रुप में रेड 5 में दो डिस्क फेलियर सपोर्ट नहीं करते, एक डिस्क फेलियर सपोर्ट करता है. इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लेस कर दो. अब मैंने ये आपको रेड 5 समझा दिया. रेड 6, रेड 6 में क्या किया गया है वो आप जो फोकस करोगे तो देखोगे उसमें उन्होंने पैरिटी जो है कमा, ये जो है ना A1 A2 पैरिटी P और A का पैरिटी Q, ये दो पैरिटी जनरेट किया हुआ है. तो जिसमें होता क्या है, अगर दो डिस्क फेल हो गए गलती से, समझो ये भी फेल हो गई और ये भी फेल हो गई, तो अल्टीमेटली मेरे पैकेट कितने, 1 2 3, अगर A और A3 तो पैरिटी A और P, AP और AQ डबल पैरिटी होने की वजह से ये 1 2 3 मिलकर इसको भी जनरेट कर सकते हैं, ये और ये मिलकर इसको भी जनरेट कर सकते हैं, यानी इसमें आपको दो डिस्क फेलियर सपोर्ट करता है रेड 6 में. अब आप समझ में आया. अब आपको एक पता होगा कि मिरर में अगर मैं जाता हूं, ये इसमें इसमें जाता हूं तो मेरे को अगर ये 100 TB का है, सॉरी इफ इट इज 100 GB सपोज, एंड दिस इज 100 GB, दिखता है बराबर 100 GB, तो मेरा एक सैक्रिफाई हो गया. तो एक्चुअली आई एम यूजिंग 200 GB, बट आई विल गेट स्पेस ऑफ 100 GB ओनली यूजेबल, यानी इस्तेमाल शुदा सिर्फ 100 GB होगा. अभी ये इसमें आपने देखा कि आधा हिस्सा एक डिस्क जो है जाया हो जाती है, आधा हिस्सा यूज होता है. अब मैं अगर इसको लेता हूं रेड 5 में, रेड 5 में क्या होता है, मेरे तीन डिस्क में से मिनिमम तीन रहते हैं, जितने भी रहेंगे उसमें से एक डिस्क जो है वो पैरिटी में जाती है. समझो ये डिस्क जो है वो मेरी, ये डिस्क जो है वो मेरी पैरिटी में गई, और बाकी समझो ऐसा एक डिस्क नहीं, वो पैरिटी इज स्प्रेडेड ऑल ओवर. सैक्रिफाई मैं बता रहा हूं कि इसका 100 है, इसका 100 है, 100 और 100 टोटल मिला के होता है कितना 400,
और एक डिस्क जो है मेरी पैरिटी में सेक्रीफाई होती तो बचता कितना, 1, 2, 3, सो 300 GB विल बी यूजेबल स्पेस। ओके, यूजेबल इन द सेंस व्हाट आई एम सेइंग, रिमेनिंग फॉर्मेट पार्टीशनिंग एंड अदर 7% विल गो लॉस, सो दैट विल बी द एक्चुअल डिस्क पार्टीशन यू विल गेट विल बी -27 or 25 GB less in this, so you will have around 275 GB around approximate इसका ये यूजेबल जो स्पेस होगा वो उसका जो फॉर्मेट जो करेंगे NTFS या जो भी फॉर्मेट हम बनाएंगे वो फाइल सिस्टम बनाने के दौरान वो अराउंड 6-7% हिस्सा चले जाता है, तो उसमें से मेरे को लास्ट में फाइनल में 275 GB जो है बचा हुआ मिलेगा। तो कहने का अगर मैंने इसके अंदर और एक हार्ड डिस्क जोड़ दिया रेड में, और जोड़ सकता हूँ मैं रेड 5 में और जोड़ सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 500, मगर मेरे को यूजेबल कितना रहेगा 400, क्योंकि ये एक डिस्क जाएगा, चार तो बचेगा, तो मेरा 400। तो कंपैरेटिवली वी आर लूजिंग वेरी लेस डिस्क स्पेस एज कंपेयर टू रेड 1, यानी रेड 1 के मुकाबले में रेड 5 का जो है हम बहुत ज़्यादा डिस्क स्पेस यूज करने को मिलता है और रिडंडेंसी भी मिलती है और रीड राइट के लिए आयोप्स भी अच्छा मिलता है। तो आम जो है रेड 5 जो है अक्सर यूज किया जाता है और रेड 6 में हमको दो डिस्क हो जाते हैं, रेड 6 में हमारे दो डिस्क चले जाते हैं तो बचता है 3, सो 300 मिलेगा। मैं 500 GB का डिस्क यूज करूँ मगर मेरे को 300 GB मिलेगा, मगर मेरे को दो डिस्क का फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। ये आपको मैंने बेसिक रेट जो है वो समझा दिया। अब इसके आगे मैं तुमको बताता हूँ दूसरा जो है वो, ये इसको छोड़ के मैं होम में जाऊँगा, डाउनलोड से नया प्रेजेंटेशन निकाल लूँगा, ये प्रेजेंटेशन। हाँ, अब ये जो है आपको बताना चाहता हूँ मैं, मेरे सॉरी ओके, उसके बाद जो है मैं आई डोंट वांट टू एडिट इट, व्यू करना चाहता हूँ फुल स्क्रीन। ओके, इसमें ये जो है इरेजर कोडिंग, ये इरेजर कोडिंग क्या होती है ऊपर का नहीं दिख रहा। ओके ओके, इरेजर कोडिंग क्या होती है, इरेजर कोडिंग में इसको 6x2 यानी 6x4 यानी चार जो है वो डेटा पैकेट बनेंगे और दो पैरिटी बिट बनेंगे, यानी 6-4EC strip। आई थिंक आई शुड गो आउट फ्रॉम हियर एंड यूज नॉर्मल बिकॉज द फॉर्म इज क्रोकेट। अच्छा, ये जो है ये मैं इसको छोटे में ही बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा करने के बाद वो सही दिखता नहीं। और ये जो है ये आपको इन सब का इस्तेमाल कहाँ होता है, स्टोरेज में होता है, रेड कंट्रोलर, रेड वॉल्यूम्स और इस सब का चीज़ का इस्तेमाल होता है स्टोरेज। स्टोरेज जो है आगे जाके मैं तुमको बहुत डिटेल में समझा दूंगा। आप अब ये जो होता है ये नया टेक्निक है रेड के अंदर, इसको बोलते हैं इरेजर कोडिंग। ये इरेजर कोडिंग होता क्या है, अब ये इरेजर कोडिंग स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू डेटा एंड पैरिटी ब्लॉक्स। अब ये जो है ये ब्लॉक्स की जो लैंग्वेज होती है वो डिस्क के हिसाब से होती है, डिस्क का एक ब्लॉक होता है, एलोकेशन होता है, उस हिसाब से वो उस पर लिखता है, वो ब्लॉक बाय ब्लॉक राइट करता है और ये कंट्रोलर अलग होता है, इसका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है जो 6-4 इरेजर कोडिंग स्ट्रिप्स, आउट ऑफ 6 ब्लॉक 4 आर डेटा एंड 2 आर पैरिटी, दिस इज द स्मॉलेस्ट इरेजर कोडिंग स्ट्रिप सपोर्टेड बाय क्यूमिलो। यानी ये क्यूमिलो जो है ना ये बहुत बड़ी कंपनी है स्टोरेज की, आज के दौर की सबसे अच्छा स्टोरेज मैं तो कहूँगा क्यूमिलो है। अगर आपको क्यूमिलो नहीं पता होगा आप वेबसाइट पे जाइए तलाश कीजिए क्यूमिलो, आपको मिलेगा क्यूमिलो, मेरे पास भी है क्यूमिलो, हमारे पास हम यूज कर चुके हैं कर रहे हैं। तो उसमें ये ABCD जो होते हैं वो ब्लॉक्स होते हैं और उसके पैरिटी ब्लॉक्स बनाए दिए जाते हैं
PAB और PAD। अब इनको कैसा लिखा जाता है और इससे इन पैरिटी से की मदद से ये सी और ये डी ये बी ए कोई भी दो अगर इनमें से कोई भी मिस होता है, ए बी सी डी कोई मिस होता है तो इस पैरिटी के जरिए P1 एंड P2 के जरिए उसको रिकवर किया जाता है। एंड इरेजर कोडिंग स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू डेटा एंड पैरिटी ब्लॉक्स, दोनों को ब्लॉक किया और इनके जरिए वापस से रिकवर किया जाता है। अब कैसे रिकवर किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। अब हम पहले इसमें क्या देखे थे, डिस्क, क्या देखे थे हमने, हार्ड डिस्क, 2 टेराबाइट की डिस्क थी, 2 टेराबाइट की डिस्क थी, 100 GB का डिस्क था। यहां पे डिस्क नहीं होता, यहां पे होता है क्या, नोड। नोड के अंदर मल्टीपल डिस्क होते हैं और एक एक डिस्क समझो 10-10 TB का होगा। क्या बोला मैंने, ये नोड बोले तो नोड, होस्ट, सर्वर एक ही चीज होता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो नोड 1 बोले तो उसके अंदर 9 डिस्क दिखाए गए हैं और हर डिस्क जो है वो कई टेराबाइट्स की होती है। जैसे कि 10 टेराबाइट की अगर एक डिस्क है तो ये 90 TB का स्टोरेज बनेगा, ये एक नोड 90 TB देगा। जब तुम बड़े बड़े पेटाबाइट के स्टोरेज देखते हो तो वो ऐसी एक एक हार्ड डिस्क तो नहीं यूज करते ना, वो हार्ड डिस्क की जगह पे एक एक नोड यूज करते हैं। तो जिसमें ये अगर है तो ये समझो अगर 10 × 10 TB अगर मैंने इसमें इस्तेमाल किया तो 90 TB बनेगा पर नोड, एनओडी 90 TB पर नोड, एक नोड के अंदर 90 TB का स्पेस मिलता है। अब ऐसे ही नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 ये सारे नोड्स है। अब नोड के अंदर 10-10 हार्ड डिस्क लगे हुए है समझो, या 12-12 हार्ड डिस्क लगे हुए है। अब वो जो डेटा ब्लॉक होगा वो ए डेटा ब्लॉक, बी डेटा ब्लॉक, सी डेटा ब्लॉक, डी डेटा ब्लॉक, उसकी ब्लॉक की पैरिटी, उसकी पैरिटी यानी डबल पैरिटी ब्लॉक की होगी। अब एक ब्लॉक जो होता है वो रेंडमली स्प्रेडेड ऑल ओवर द नोड, क्यूमुलो प्रोटेक्शन लेयर एंश्योर दैट द ब्लॉक आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फेलियर डोमेन्स अक्रॉस द क्लस्टर टू गारंटी द रिकवरी ऑफ डेटा फ्रॉम डिजायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्क और नंबर नोड फेलियर। नोड फेलियर का मतलब अगर मेरे पास 4 नोड है या 5 नोड है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक नोड फेलियर चाहिए। अगर मैंने बोला एक नोड फेलियर मुझे चाहिए, मतलब क्या हुआ, अगर मेरा एक नोड फेलियर बोल दिया तो अगर ये मेरा एक नोड खुदा ना खास्ता फेल हो जाए तो मेरा कितना TB लॉस हो जाएगा, 90 TB जो है वो चले गया क्योंकि ये 3 नोड मेरे चल रहे हैं। तो जैसा हमने रेड 5 में देखा था कि अगर एक नोड फेल हो जाए, एक हार्ड डिस्क फेल हो जाता है तो दूसरे इसमें से पैरिटी जनरेट करके वो डेटा हमको दे देता है। तो ठीक उसी तरह से इसमें अगर एक नोड फेल हो गया तो ये दूसरे जो नोड है वो हमको डेटा रिकवर करके दे देंगे। जैसे ये मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, इसमें लिखा गया ए इधर, बी इधर, सी इधर लिखा गया, डी इधर लिखा गया, पैरिटी इसका इधर लिखा गया, इसका दूसरा पैरिटी इधर लिखा गया, यानी ये सारा डेटा जो है 4 नोड के अंदर बट गया है। अब जैसे ही अगर ए फेल हो जाता है, ए का जो डेटा इधर ये फेल हो गया है तो ए को रिकवर कौन करेगा, ये जो बचे हुए पैरिटी 1, पैरिटी 2, सी, डी, बी, ये ब्लॉक सारे मिलके उस एल्गोरिथम से ए का डेटा जो है वो रिकवर करेंगे और उससे हमको वापस अपना ए का जो डेटा है वो मिलेगा। और कैसे होगा ये देखिए आगे, आगे क्या करते हैं, व्हेन अ ड्राइव फेल्स द मिसिंग ब्लॉक स्टोर बी स्टोर मिस ब्लॉक आर रिबिल्ड एंड रिप्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग पी स्टोर अक्रॉस द एंटायर क्लस्टर। ये क्लस्टर में काम करते, क्लस्टर में एक जुड़े होके अगर हमारी डिस्क फेल हो जाती है तो जो ब्लॉक हमारा मिस हो गया है, खो गया है, वो जो है वो क्लस्टर में से रिकैलकुलेट करके प्रोटेक्ट करके हमको वापस दिया जाता है।
ओनली द मिसिंग ब्लॉक स्टोर। अब यहाँ पे 10 डिस्क मैंने बताया था, अब 10 डिस्क में से एक डिस्क खाली फेल हो गई है। अब एक डिस्क फेल होने में उसमें कई ब्लॉक्स होंगे, तो उन ब्लॉक्स को खाली रिकवर रिबिल्ड किया जाता है। ओनली द मिसिंग ब्लॉक स्टोर डेटा नीड्स टू बी रिबिल्ड, दिस इज वास्टली फास्टर देन रिबिल्डिंग एन एंटायर फेल्ड रेड डिस्क। अब ये रेड डिस्क जो है वो 10 टेराबाइट की है, मेरे पास 10 टेराबाइट का स्टोरेज इस डिस्क में नहीं है, क्योंकि मेरे स्टोरेज में जो डेटा स्टोर मेरा है वो सपोज के ओनली 100 टेराबाइट है, इसमें स्टोरेज में 100 टेराबाइट है, जबकि मेरे पास 270 टेराबाइट की कैपेसिटी है। तो उस इस डिस्क के अंदर सिर्फ कुछ पोर्शन होगा जो मेरे डिस्क फेलियर की वजह से लॉस्ट हो गया। मैंने पूरा नोड फेलियर नहीं बोला, अभी डिस्क फेलियर बता। अगर डिस्क फेलियर हो गए तो उसमें जो डेटा था उसी को ही अलग दूसरे डिस्कों में रिप्रोड्यूस किया जाएगा, यानी वो उसी में ही नहीं, वो अलग अलग नोडों में, नोड्स में उसका डेटा को प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस किया जाएगा, इसको यानी वापस से नए उसका डेटा को रिप्रोड्यूस यानी के वापस से बना लेना, अपना रेड एल्गोरिथम से मिसिंग जो ब्लॉक स्टोर होएगा उसको वापस से दूसरे नोडों पे बना लेता। अब ये खाली डिस्क फेलियर हो गया, नोड फेलियर नहीं हो गया, तो बनाया जाता है। अब उसके आगे जो है मैं बताता हूँ आगे उसकी कैसा वो अपनी फास्ट और स्पीडी गेंद देता है, क्योंकि जो नीचे जो डिस्क यूज होते हैं ना वो लो स्पीड के 7200 आरपीएम के डिस्क होते हैं, 7200 आरपीएम के डिस्क होते हैं, सस्ता वाले डिस्क होते हैं, मगर उसके ऊपर जो होता है एसएसडी होता है, और वो एसएसडी जो है वो जो वर्चुअल डिस्क होता है वो तुम्हारा जो भी डेटा आता है, पहला क्लाइंट कैन राइट एनी डेटा टू एनी नोड, वो जो डेटा है वो किसी भी नोड पे लिखा जाएगा, क्योंकि इसका एक आईपी नहीं होता है, उसका एक बैंक ऑफ आईपी, यानी सारे आईपी हर नोड के पीछे एक 3 आईपी यूज होते हैं, तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 इसको एक्सेस करने के लिए एक डीएनएस के ऊपर एक नाम बनाया जाता है, ओके नेम स्पेस, और उस नेम स्पेस के अंदर 12 आईपी डाल दिए जाते हैं, तो कोई भी हिट करेगा डायरेक्टरी से एक्टिव डायरेक्टरी से नेम स्पेस पे, तो किसी भी आईपी के ऊपर वो कोई भी उसको एक्सेस देगा, यानी क्लाइंट किसी भी क्लाइंट कैन राइट टू एनी नोड, यानी किसी भी नोड पे वो क्लाइंट राइट कर सकता है, इसकी वजह से स्पीड फास्ट हो जाती है। डाटा इज ऑलवेज बी स्प्रेड अक्रॉस ऑल एसएसडी इन द सिस्टम, जो डाटा आता है वो डाटा पहले एसएसडी पे जाता है, क्योंकि वो एसएसडी जो होते हैं वो कैश डिस्क होते हैं, उनमें कैश होता है पूरा डाटा, और बाद में वो डाटा जो है वो हार्ड डिस्क में फ्लश किया जाता है, यानी नीचे उतार दिया जाता है। तो पहले डाटा को करेंगे तो जो ग्रीन में जैसे दिखाया तो वो पहले डेटा आ गया, उसके बाद उसकी पैरिटी आई, फिर डेटा आया, फिर डेटा आया, फिर पैरिटी आई, दो पैरिटी आ गई और एक डेटा आ गया, यानी इन नोड के अंदर उस डेटा को बांट दिया गया है इस तरह से, पहले एसएसडी में आ गया और बाद में जो है वो उसको पैरिटी में छोड़ दिया। अब ये दो ब्लॉक बनाए गए हैं, अब आपने देखा होगा कि दो एक एसएसडी में पैरिटी आ गई है और दूसरे में डेटा आया हुआ है। अभी आगे की मरहला ये है, अब वो डेटा जब आ जाता है ऊपर, उस डेटा को डेटा इज रिटर्न टू द एसएसडी फर्स्ट, जो क्लाइंट ने कोई भी 12 आईपी में से कोई भी एक आईपी के ऊपर डेटा छोड़ दिया, स्लैश शेयर फोल्डर का पाथ दिया, उस पर डेटा कॉपी कर दिया, वो डेटा कॉपी करते हैं वो पूरे नोडों में वो डेटा बांट दिया गया। अब वो बांटने के बाद में वो डेटा इधर से आने के बाद नीचे प्रोटेक्ट होके आगे फ्लश करने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर वो डेटा जो है दूसरे हार्ड डिस्क में फ्लश हो जाता है। ये मैं कैसे फास्ट चलता है, कैसे फास्ट लिखता है, मैं वो बताता हूँ, ओके एवा। अब ये देखो, ये आ गया नीचे डेटा, डेटा पैरिटी, डेटा पैरिटी, डेटा पैरिटी लिख दिया गया सब, यानी पहले नोड पे ही आया था मगर उसने पूरे नोड में उस डेटा को बांट दिया तुम्हारे देखने के लिए क्लाइंट ने एक नोड के साथ। एज सून एज द एसएसडी इज फिल्ड 80% डेटा इज टियर टू हार्ड डिस्क, जैसे वो डेटा उसमें फुल हो जाता है एसएसडी में, वो डेटा नीचे
दूसरे हार्ड डिस्क में बैकग्राउंड में लिखने का काम चलता रहता है। इसका इंटेलिजेंस ऐसा होता है कि सिक्वेंशियल डेटा अगर तुम रिक्वेस्ट करते हो, उसमें से रिट्रीव करना चाहते हो, तुम कोई वीडियो देख रहे हो, तो वो जो है पूरा डेटा हार्ड डिस्क से कलेक्ट करके SSD में उल्टा भेजता है और फिर SSD जो है तुमको फुल स्पीड में डेटा देता है। इसका थ्रूपुट 3.5 GB पर सेकंड सिर्फ 5 नोड में मिलता है। जितने नंबर ऑफ नोड इसके अंदर आप बढ़ाओगे उतना डेटा थ्रूपुट स्पीड में मिलेगा, क्योंकि उतने SSD जो है डेटा उतने IPs आपको थ्रो करेंगे। अगर 7 डाल देंगे नोड तो आपको 5 GB पर सेकंड की थ्रूपुट भी मिलती है। यही मैं उस दिन कह रहा था कि जितना स्पीड क्यूमुलो इतना स्पीड ही देता है कि लोकल SSD डिस्क से भी फास्टर नेटवर्क में तुमको डेटा मिलता है। ये क्यूमुलो की खासियत है। ये मैंने आपको अभी समझा दिया। क्या समझा दिया? व्हाट इज इरेजर कोडिंग। इरेजर कोडिंग ये रेड का अलग एक्सटेंडेड फॉर्म है। रेड जो होता है वो डिस्क में चलता है, इरेजर कोडिंग किस में चलता है? नोड्स में चलता है। वो एक एक नोड में कितने डिस्क होते हैं? 10 डिस्क 25 डिस्क होते हैं। उनको एक आदत गिनता है इरेजर कोडिंग में, और उसमें डिस्क फेलियर अलग चीज़ होती है और नोड फेलियर अलग चीज़ होती है। इसको बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, कैसा तुम सिलेक्ट करते हो। पैरिटी इसमें 2 होती है, बाकी डेटा ब्लॉक की कॉपी राइट की जाती है इरेजर कोडिंग में। ये ध्यान रखना, ये आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। जितना मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका डिटेल आपको कहीं हिंदी में उर्दू में नहीं मिलेगा। विकिपीडिया पे भी इसका कोई ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मैं आप लोगों को जिस तरह से आपने तालीम हासिल की है मेरे से, मैं चाहता हूँ कि उसका हक अदा करो, यानी शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे लोगों तक इसको पहुँचाओ। मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे मालूम, ये अच्छे। मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ इसलिए मेरे पास वक्त की कमी होती है, और मैं उसके लिए अपना वक्त कैसे भी एडजस्ट करके, मेरे जो भी बहुत सारे काम है, ऐसे नहीं कि मैं जॉब करता हूँ तो खाली फ्री बैठा रहता हूँ। बहुत मुश्किल से भी वक्त निकाल के आप लोगों के लिए ये कुर्बानी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको नहीं देते। अब मैं आपसे ये तवक्का करता हूँ कि आप उसका हक अदा करो, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुँचाओ बस। और अभी इसके लिए मैं चाहूँगा के ये स्लाइड, माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी ESX होस्ट। अब मैं ये ESX होस्ट का इंस्टॉलेशन मैं इंग्लिश में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, मगर आपको अगर वहाँ नहीं समझा होगा तो ESX होस्ट का इंस्टॉलेशन मैं हिंदी उर्दू में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और अभी वो शुरू करूँगा। ओके, तो अभी के लिए इसको मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ।